सो नाउ विल टॉक अबाउट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। मेनली हम लोग बात करते हैं ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। वॉट इज दैट? ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। हमने ग्लोमेरुलोपैथीज पढ़ ली हैं, अब हम लोग ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियम की डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नेफ्राइटिस आती है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल, मतलब ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम में प्रॉब्लम आनी या इन्फ्लोमेशन आ रही, बिकॉज आइटिस आ गया तो दैट इज इन्फ्लोमेशन। अब इसमें ये जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लोमेरुलस है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे बस ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम है और इंटरस्टिशियम। अगर ग्लोमेरुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका मतलब है कि GFR जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, है ना, और GFR नॉर्मल होता है। लेकिन बिकॉज ट्यूब्यूल में अगर प्रॉब्लम है तो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी, जो कॉन्सेंट्रेट होता है, पानी निकलता, एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, सिक्रीट होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब तो ट्यूब्यूल्स में होती हैं। तो फिर जो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी है उसकी ट्यूब्यूल्स की, वो कम हो जाएगी, लेकिन GFR जो है वो नॉर्मल ही होगा। मतलब GFR नॉर्मल निकला, आगे कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी की वजह से यूरिया डिसयूरिया हो जाएगा। इन केस अगर हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसमें पेल्विस इन्वॉल्व होता है। पेल्विस जो होता है वो किडनी का ये वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट जहाँ से यूरेटर कनेक्टेड होती है। तो वो जो रीनल पेल्विस होता है वो अगर इफेक्ट हो जाए तो उस पार्ट को हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें पाइलो का क्या मतलब है, पाइलो मतलब इसमें पेल्विस और नेफ्राइटिस मतलब नेफ्राइटिस। अब ये जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो हमने इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करना है, इसमें ट्यूबुलर इंजरी जो होती है वो बैक्टीरियल ओरिजिन की वजह से भी हो सकती है और नॉन बैक्टीरियल इंजरी की वजह से भी, बैक्टीरियल या नॉन बैक्टीरियल। नॉन बैक्टीरियल में ड्रग, वायरसेस और कोई रेडिएशन होगी, इम्यून कोई रिएक्शन हो गई, उन सब की वजह से हो सकता है। अब ये जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ये हमने TIN हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, TIN, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। और आज जैसे कि वीडियो का टाइटल है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, हम लोग एक्यूट के बारे में अभी पढ़ेंगे। अब ये जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है ये किसका मैनिफेस्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है UTI का। जब UTI दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, किसके, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। और पाइलो मतलब पेल्विस, मैंने बताया। अब ये जो UTI है मेनली जो हम लोग बैक्टीरिया की बात करी हमने, ठीक है, नॉन बैक्टीरियल सोर्स में हमने क्या बोला, वायरस हो सकता है, कोई इम्यून रिएक्शन हो सकती है, कोई रेडिएशन हो सकती है। UTI जो बैक्टीरियल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है, वैसे कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ये होते हैं मेनली। लेकिन इसमें एक ईकोलाई, आपने सुना होगा नाम बहुत बार, ईकोलाई जो है वो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा हम किसकी बात करते हैं, प्रोटीस की बात करते हैं, या फिर एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सेला, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्रोकोकस, ये सब बहुत ही कम बात करते हैं। लेकिन मेनली अगर किसी कोई एक नाम पूछे तो यू हैव टू रिमेंबर ईकोलाई। तो ये हमने पढ़ा पॉजिटिव एजेंट के बारे में। सेकेंड जो बात है वो आती है रूट की, कि रूट कैसे होता है। एक होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो UTI है, UTI से क्या होता है कि ऊपर ऊपर जाकर असेंड करती है इन्फेक्शन और किडनी तक पहुंच जाती है। सपोज यूरेटर में प्रॉब्लम आई, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम आई, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में चली गई, वहां से जाते जाते वो किडनी में पहुंच गई और पेल्विस कर दिया एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये है असेंडिंग इन्फेक्शन। दूसरी जो बात है कि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो इन्फेक्शन हुई है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो इन्फेक्शन होती है दैट इज हीमाटोजेनस। कौन सी, हीमाटोजेनस स्प्रेड। इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया। तो रूट क्या हो गया, असेंडिंग इन्फेक्शन जो नीचे से लेके जा रही है ऊपर तक, और एक हो गया ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो होती है। और ये जो असेंडिंग रूट पढ़ा हमने वो इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। ज़्यादा केसेस असेंडिंग इन्फेक्शन के होते हैं रैदर दैन हेमाटोजेनस इन्फेक्शन के। ये जो असेंडिंग इन्फेक्शन हो गया ये और कैसे हो सकता है, पहली बात जो हमारी कैथेटराइजेशन होती है, ठीक है, कोई कैथेटर लगाइए यूरिनरी ब्लैडर में, इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैथेटर लगाई है कोई हमने, या फिर सिस्टोस्कोपी करने के लिए सिस्टोस्कोप लगाया, कुछ भी लगाया जो UTI से कनेक्टेड है, मतलब UT से कनेक्टेड है, यूरिनरी ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, उसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो ऊपर तक पहुंच सकता है। एक होता है विजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। कौन सा, विजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। वो क्या होता है कि विजाइक का मतलब, जैसे ये हमने यूरेटर बनाई और ये हमने यूरिनरी ब्लैडर बनाया और ये बन गई यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ओरिफिस होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये ऑरिफिस की वजह से क्या होता है कि मतलब रिफ्लक्स जो है वो नहीं होता, कि यहाँ पे जो यूरिन आ चुका है वो दोबारा बैकवर्ड्स नहीं जाता। ये रिफ्लक्स जो होता है ये वाला वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लक्स, कि ये जो है वापस ऊपर चला जाए, वेसाइको मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर में चले जाए। सो उसकी वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है असेंडिंग इन्फेक्शन का।
ये एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये एक हो गया VOR। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, न्यूरोपैथी हो चुकी है, मतलब कि जो यूरिनरी ब्लैडर से जो नर्व्स कनेक्टेड थी वो नहीं कनेक्टेड, ठीक है, या फिर वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, वॉइड नहीं होगा यूरिन इतना। तो यूरिन जो है, वैसे यूरिन जब यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में होता है तो उसमें जो कुछ नहीं होता वो साफ होता है, वो जब निकल जाता है तो एवरीथिंग इज क्लीन। बट अब आपको पता है कोई पानी है वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसमें ऑब्वियसली जर्म्स आ जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे यूरिन जो है वो सारा वॉइड नहीं हो पाता, वो कुछ कुछ रह जाता है बिकॉज ऑफ कि यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी या फिर वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स की वजह से यूरिन यहाँ पे रह गया, तो फिर उसमें जर्म्स आ गए, वो सब आ गए, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, उसकी न्यूरोपैथी जो वही हमने बोला, या ब्लैडर का डिसफंक्शन हो रहा है, या फिर कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। फ्लैसिड ब्लैडर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ये वाले केस को, फ्लैसिड ब्लैडर, ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, इसमें यूरिन क्या होता है, यूरिन रह जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है कि इसमें ये एडहियर कैसे करता है, बैक्टीरिया सपोज है तो उसके पास फिम्बरी होती है, ठीक है, वो फिम्बरी से क्या करता है, अपने आप को कनेक्ट कर लेता है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ऑलराइट, यूटीआई क्योंकि हमें पता है कि फीमेल्स में ज़्यादा हुआ, मैंने पहली बात उनकी जो यूरेथ्रा है फीमेल्स की वो शॉर्ट यूरेथ्रा होती है, उसमें ट्रैवल करके आगे तक जाना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड थिंग, वेजाइनल जो वेजाइना है, वेजाइनल में फ्लोरा है, वेजाइनल फ्लोरा जो है उसमें अपने बैक्टीरिया है, वेजाइना से यूरेथ्रा तक आना, उसके बाद यूरेथ्रा से फिर यूरिनरी ब्लैडर तक जाना इज़ नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, वेजाइनल फ्लोरा में उसके बाद आते हैं, कहाँ तक आता है, सपोज यूरेथ्रा तक आ गया या चला गया, नेक्स्ट जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या कोई ट्रॉमा हो गया, बैक्टीरिया है वो जा सकता है यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर किडनी तक। जो मेल्स हैं, मेल्स में क्या होता है, कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारा उसकी एनलार्जमेंट हो गई, उसकी एनलार्जमेंट होने से क्या फ़र्क पड़ा कि ये सपोज प्रोस्टेट ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे आता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर एनलार्जमेंट होगी तो ये जो यूरेथ्रा है ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस हो जाएगा, तो फिर वही यूरिन जो है वो पूरा वॉइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट केस जो होता है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये जो न्यूरोपैथीज मैंने बताई वो डायबिटीज़ के केस में ज़्यादा हो जाती हैं। डायबिटीज़ से न्यूरोपैथीज हुई, यूरिनरी ब्लैडर की नर्व सप्लाई कट हुई, ठीक है। नेक्स्ट एक केस होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस जो है वो एनलार्ज होती है, जब यूट्रस एनलार्ज होगी तो प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से यूरेटर, सपोज यूरेथ्रा या यूरेटर पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से वॉइडिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो ये सारे जो हैं रीजंस हैं कि क्यों ये सब जो है प्रेशर की वजह से, ये सब की वजह से यूरिन जो है वो वॉइड नहीं हो पाता। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि सेपरेशन होती है। सेपरेशन क्या होता है, SUPP, सेपरेशन, ये होता है कि पस फॉर्मेशन, ठीक है, पस बन जाती है। पस होती क्या है, पस होती है कि बैक्टीरिया हैं, कुछ लिविंग कुछ डेड बैक्टीरिया हैं, कुछ उनको मारने के लिए मैक्रोफेजेस आ चुके हैं, कुछ ने उनको खा लिया है, कुछ सिक्रीशंस है बैक्टीरिया की, कुछ सिक्रीशन है डेड सेल्स की, तो वो सब जो मिक्सचर सा बन जाता है उसको हम बोलते हैं पस। अब वो जो पस है वो होती है तो येलुइश एब्सेस बन जाता है किडनी में। पायोनेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस मतलब ट्यूब्यूल्स है, मतलब किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे पस भर गई है। अब मेनली हमें क्या होता है कि ये सपोज किडनी है, किडनी में यहाँ पे ऐसे पिरामिड्स बने हुए हैं, ये पिरामिड्स, तो ये जो पस फॉर्मिंग हो रही है ना, मैक्सिमम पस कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे, तो हमें अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिखती है मैक्सिमम एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पैपिलरी नेक्रोसिस, क्या वर्ड है, पैपिलरी नेक्रोसिस। इस ये जो होती है पैपिलरी नेक्रोसिस, ये तीन कंडीशंस को बोलते हैं मिला के। पहला तो हमने पढ़ा एक्यूट पायोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, ठीक है, कि ट्यूबुल या जो भी है जो हमने अभी सारा पढ़ा, एक्यूट वो वाली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या हो गया कि उसको डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ होने के कारण क्या होता है, न्यूरोपैथी होगी, जो हमने पढ़ा न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, ठीक है, ब्लैडर नहीं वर्क करा। तीसरा क्या हुआ, उसको सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है कि RBC जो होते हैं उसमें शेप खराब होती है, फंस जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं।
ये सारी जो कंडीशन है इसको हम लोग बोल देते हैं पैपिलरी नेक्रोसिस। येलोइश रेज्ड एब्सेसेस रीनल सरफेस पे हमें दिखेंगे, येलोइश बिकॉज ऑफ द पस एब्सेसेस ऑन द रीनल सरफेस। ठीक है, इसकी जो है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाती है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ये हम लोगों ने नेक्रोसिस में किया है, नेक्रोसिस की जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पैथोलॉजी में किया, दैट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें क्लिनिकल फीचर्स में, सबसे पहले क्या होगा कि सडन ऑनसेट होगा, बिकॉज एक्यूट है सडन ऑनसेट होगा। सडन ऑनसेट क्या होगा कि पेन होगी, पेन कहाँ पे होगी, कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल पे, कहाँ पे होगी, कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल पे। तो ये कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल है, ये जो 12th रिब है, ठीक है, 12th रिब और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में एंगल जो होती है, यहाँ पे होता है किडनी, ये वाला एंगल, यू कैन सी ये वाला एंगल जो बन रहा है। दूसरा क्या होता है, बिकॉज इन्फेक्शन हुई हुई है तो इन्फेक्शन के कारण चिल्स हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, नॉजिया, मिलेज, डिस्यूरिया और यूरिन जो है जो आ रहा है वो टर्बिड है बिकॉज ऑफ द पस फॉर्मेशन। हमने पस फॉर्म किया तो पस के कारण यूरिन जो है वो टर्बिड है, बिकॉज बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण पस बन जाती है। और ये जो डिजीज़ है यूजुअली यूनिलैटरल हम लोग कहते हैं इसे, यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल है मतलब एक ही किडनी में प्रॉब्लम है, एक किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब कि रीनल फेलियर होने से बच जाता है, एक किडनी उसको बचा लेती है। ठीक है, तो रीनल फेलियर होने से बच जाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।